टकरा नहीं है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला लड़का जो सालाना 84,000 रुपया सालाना कमाता था, एक साल का 84,000, और पिछले एक साल का इनकम कितना बना, तो लगभग 36 लाख रुपया। अब मेरा आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, प्रभात सर ने बताया जितना भी मैचिंग होगा उसका 12% के हिसाब से पैसा मिलेगा, राइट है दोस्तों? 12% के हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए। आज मेरी एक आईडी का मैं आपको इनकम शो अप कर रहा हूँ, एक आईडी का मेरा मैचिंग है लगभग 4.25 करोड़, 4,75,00,000, ऑलमोस्ट आप पकड़ लो लगभग 60 लाख रुपए के हिसाब से मैंने मैचिंग का 12% कमाया, ठीक है? 58-59 लाख रुपया, लगभग लगभग 58 लाख रुपया 12% के हिसाब से। लेकिन मैं एक एडिशनल पोस्ट अचीव किया, 2016 एंड में मैं इस कंपनी में एमरल्ड बना, उसके बाद 16 मार्च 2018 को इस कंपनी के अंदर मैं गोल्ड बना, तब स्टार सिल्वर स्टार पर्ल एमरल्ड और गोल्ड, इसके साथ साथ एनटीसी क्लब बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी, ये सब एडिशनल इनकम जो मेरे लाइफ में रहा है ऑलमोस्ट लगभग 1 करोड़। तो 58 लाख ये और 1 करोड़ के समथिंग वो, 1.5 करोड़ का इनकम क्रॉस किया है, 1.5 करोड़ का। क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ? प्रभात सर ने आपको प्लान में बताया कि यहाँ पर टीम वर्क काम करती है, और जब टीम वर्क काम करती है ना सर, तो 100% आप लाखों रुपए में चले जाते हैं। प्रभात सर ने एक बात और आपको कहा, क्या कि मुकेश अंबानी साहब के पास भी 24 घंटा है और हमारे पास भी 24 घंटा है, मैं पूरे प्लान को सुन रहा था, और 24 घंटा उमेश चौहान के पास भी, तो उमेश चौहान फिर लाखों रुपए में कैसे पहुंच गए? उमेश चौहान लाखों रुपए में पहुंचने का रीजन यही था दोस्तों कि आज मैंने इंडिया लेवल पे लगभग 21,000 लोगों का टीम बना लिया है, 8 स्टेट में मेरी टीम है, कई मेजर सिटी में मेरी टीम है, और वो टीम के वजह से आज इतना सारा पैसा मेरे लाइफ में, 100% दोस्तों। आज आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आप अकेले हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कल आपको हम सारे लोग जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सारे लोग आपको इस बिजनेस के अंदर गाइड करेंगे, सिखाएंगे कि कैसे टीम बनाना चाहिए, टीम बनाना चालू करेंगे। जिस दिन आपके टीम में सैकड़ों हजारों लोग हो जाएंगे, आप यकीन मानिए दोस्तों, आप भी इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपया कमाना चालू करेंगे। वेरी सिंपल, जब मेरे टीम में हजारों लोग हो गए तो लाखों रुपया मेरे लाइफ के अंदर इनकम आया इस बिजनेस की वजह से। आज अगर देखने जाए, हम दिन आ रहा है 28 जनवरी 2021, 31 साल, ये बहुत ही बड़ी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। उस दिन इस बिजनेस के वजह से 55 लाख रुपए की सी क्लास मर्सिडीज बेंज कार लेने जा रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। मान खुर्द में रहता था प्रभास सर, 5x8 का घर, ऐसा 5 फीट और ऐसा 8 फीट, मुझे पता है, एमजीएम कॉलोनी। यस सर, एमजीएम कॉलोनी। तो रात भर पूरा पैर को मोड़ के बटोर के मुझे सोना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती। ये बिजनेस के अंदर कई सारे डायमंड्स, कई सारे आईटीसी, जब हम लोगों को सुनते थे तो दिल में आग लगती थी कि एक दिन हमारा भी घर होगा। और दोस्तों चलता गया इस बिजनेस के अंदर, चलता गया। 4.5 साल पहले मैंने एक घर लिया था 18 लाख रुपए का, आज उसकी कीमत लगभग 22-23 लाख रुपए है। फिर उसके बाद 2.5 साल पहले मैंने इंडिया के स्मार्ट सिटी में, डोंबिवली में आता है पलावा सिटी, वहां पर मैंने एक घर लिया था 50 लाख रुपए का, अभी उसका पजेशन है मार्च में, कासा स्टेला सी बिंग 1601 रूम नंबर, उमेश चौहान के नाम, 50 लाख रुपए उस घर की कीमत। उसके बाद सितंबर 2019 में मैंने रेडी पोजीशन में एक घर लिया, क्योंकि इनकम बहुत सारा आ रहा था, 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख महीने का, तो खर्चा उतना नहीं था क्योंकि कमाई बहुत ज्यादा हो गई थी इस बिजनेस में, तो मैंने एक रेडी पोजीशन में घर लिया। 9 जनवरी 2020 को मैंने पोजीशन लिया और इंटीरियर करवाया। मेरे, अगर आप देख रहे होंगे मेरा घर, ये मेरे घर का इंटीरियर है, ये मैं मास्टर बेडरूम में बैठ के बात कर रहा हूँ, 20 लाख से ज्यादा का इंटीरियर है मेरे घर में। इस वक्त मेरे तीसरे फ्लैट की कीमत ऑलमोस्ट 1 करोड़ है। कितना एजुकेशन, 8 तक, कितना तनख्वाह, 7,000। 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला लड़का 1 करोड़ के घर में आता है, गजब का लाइफ, गजब की फीलिंग, कितनी खूबसूरत जिंदगी दे दिया माई लाइफ। इस बात को कहते हुए, इंडिया में लगभग 60 टाइम मैं एरोप्लेन से घूम चुका हूँ, 60 बार। इसके साथ साथ मैं श्रीलंका कॉन्टेस्ट विनर रहा हूँ, 2014 में मैं थाईलैंड भी गया, इसके साथ साथ अभी लास्ट ईयर में 7 अप्रैल को दुबई में भी था, कई सारे इंटरनेशनल ट्रिप हुए दोस्तों, और आज भी होते जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब इस बिजनेस को मुझे स्टार्टअप करना था तो मेरे सीनियर ने बोला फॉर्म भरो, फॉर्म भर के मैंने बिजनेस को चालू किया, तो सीनियर ने बोला 7 आईडी का सेटअप लो, 7 आईडी का सेटअप लेके मैंने बिजनेस को चालू किया,
तो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे मेरे पास, और उसी वक्त मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी वाइफ के कान में एक सोना था, तो मैंने उसका गोल्ड जो था वो मैंने बेच दिया। उससे मैंने ये बोल के लिया था कि मुझे दे दे, मैं गिरवी रख देता हूँ, मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत, एक बिजनेस करने जा रहा हूँ, बाद में मैं तुझे उसको निकाल के दे दूंगा। तो जब मैं गया गिरवी रखने के लिए, तो जितना मुझे पैसा चाहिए था सोनार उतना नहीं दे रहा था, तो मैंने बेच दिया। तो मैं रोज बहाना बनाता कि अगले हफ्ते दे दूंगा, अगले हफ्ते दे दूंगा। तो 3 महीने के बाद अचानक अचानक मेरी वाइफ रोने लगी। तो मैं बोला रो क्यों रही है? तो फिर उसने बोला कि मुझे मालूम है कि आपने सोना बेच दिया। तो अब वो ये कह के रोने लगी। मैं बोला इतनी छोटी सी बात के लिए क्या परेशान हो रही है, हो जाएगा सब अच्छा। तो बोलती है नहीं, सोना बिक गया इस बात का दुख नहीं है, मेरी मम्मी की दी हुई वो एक ही निशानी थी जो बिक गई, अब क्या होगा। अब जिद लगी थी मुझे, जिद लगी थी। मैंने काम किया 3 साल, तो एकदम पागलों की तरह काम किया दोस्तों। पिछले 4 साल के अंदर मेरा और मेरी वाइफ का लगभग लगभग मैंने 3 साल के अंदर 9 लाख रुपए का गोल्ड परचेस किया। और अभी दिवाली आ रही है, सबके लाइफ में, पूरी दुनिया में कोरोना है, लेकिन हम लोग ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसे प्लान पे काम कर रहे हैं कि हमारा इनकम कम ही नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि हमारा इनकम कम ही नहीं हो रहा है। और हम पिछले नवंबर से लेकर अभी तक नवंबर तक का मेरा 1 साल का बोनस लगभग लगभग 20 लाख रुपया। मैं आपको इतनी बड़ी बात शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ 1 साल का बोनस है दोस्तों 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपीज 1 साल का बोनस है मेरा। आप सब लोग बताइए मुझे, जितने लोग मीटिंग का हिस्सा बने हैं, क्या आप सच में 1 साल में 20 लाख रुपया बोनस आपको मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो आप नोट कर लीजिए कि जैसे जिंदगी जीने की कल्पना आप करते हैं वैसे जिंदगी नहीं जी सकते। मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा कि आप जिंदगी खराब जिएंगे या कुछ भी, लेकिन बहुत खूबसूरत जिंदगी आगे आपकी पड़ी हुई है। इस बिजनेस का दामन थाम लीजिए आप, और जो जो प्रभात सर ने बताया प्लान के अंदर, उस प्लान पे इम्प्लीमेंट कीजिए आप, एक्शन लीजिए आप, और एक डिसीजन लीजिए कि एक 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला साधारण सा उमेश चौहान अगर इस बिजनेस के अंदर इतना बड़ा हिस्ट्री बना सकता है, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। आज मैं आपको बता दूं, बहुत खुशी हो रही मुझे इस बात को कहते हुए, कि लगभग लगभग 37-38 साल की उम्र में मैं इस कंपनी के अंदर रिटायरमेंट लूंगा। 38 ईयर्स में, 38 साल की उम्र में, अगले 8 साल के बाद, उस वक्त मैं इस कंपनी के अंदर क्राउन डायमंड या क्राउन एम्बेसडर रहूंगा। सो दोस्तों आपको बता दूं, मैं जिस दिन मैं रिटायरमेंट लूंगा, मेरे बच्चे को जीरो से चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आईडिया और मेरा इनकम अपने आप मेरे बच्चे को मिल जाएगा। और हर मीटिंग में, हर बड़े प्रोग्राम में, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, मेरा बच्चा चीफ गेस्ट बन के ही जाएगा, और जो भी महीने का करोड़ों रुपए का इनकम होगा वो मेरे बच्चे को मिलेगा। तो ये बिजनेस प्रेजेंट में तो मुझे सपने को तो 100% पूरा करा ही रहा है, सपनों के तो जिंदगी दे चुका है मेरे भाई मेरे दोस्त, लेकिन सबसे खुशी इस बात की है कि फ्यूचर भी मेरे फैमिली का मैं यहाँ पर सेटअप कर चुका हूँ। यानी कि मुझे मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, उतना मैं सेटअप बना रहा हूँ और आगे बहुत मजबूती से बना चुका हूँ। तो ये एक चीज हो गई। इसके साथ साथ बंबई में अभी जैसे आपने देखा, प्रभात सर ने दिखाया नॉमिनी फैसिलिटी, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आज अगर हम अगर नौकरी में होते, कुछ हो जाता, तो बॉस एक आध महीने का अगर पगार दया करके दे देता तो दे देता, उसके बाद एक ही बात बोल देता बॉस, भाई उमेश आता था काम करने के लिए तो पैसा लेता था, आज उमेश नहीं आ रहा काम करने के लिए तो किस बात का पैसा। लेकिन आपको बता दूं सर, एमआई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 7 साल कड़ी मेहनत किया, और लगभग लगभग 11 करोड़ बिजनेस वैल्यू क्रिएट किया है मैंने। मेरे टीम के अंदर 6 रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर है दोस्तों, ये सारे लोग भविष्य में अपने लिए काम करेंगे, पूरी टीम ट्रांसफर हो जाएगी मेरी वाइफ के नाम, और जो पैसा मुझे आ रहा है, जो टीम आज मेरे साथ है, वो टीम कल मेरी पत्नी के नाम पे हो जाएगी, और जो पैसा मुझे आ रहा है वो मेरी फैमिली को आना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो जीते जी फिर से वही बात, जीते जी तो मैं इंजॉय कर ही रहा हूँ, ना रहने का दुख मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को जरूर होगा, ध्यान से सुनिए, लेकिन पैसों को लेकर किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई, ये बात नोट कर लीजिए आप। सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है कि एक ही बार जिंदगी मिली है और इसको खुल के जीना है, बिंदास जीना है, बहुत बड़ा हिस्ट्री बनाना है। प्लान में आपने देखा कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करेगी,
ऑलरेडी आपने देखा जो प्रभात सर ने दिखाया, राइट। अब आप सोचिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा टर्नओवर हमारी ही कंपनी का होगा, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का होगा। और आज अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे, 5 साल सिस्टमेटिक अगर इस बिजनेस को आपने दे दिया, मैं दावे के साथ बोलता हूं, उस वक्त जब उतना बड़ा टर्नओवर में सारे लोगों में सिस्टमेटिक बटेगा, तो आज जो लोग साइन अप कर रहे हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों, वो सारे लोग कम से कम 5-10 करोड़ के मालिक रहेंगे उस वक्त, मैं दावे के साथ बोलता हूं। इतना बड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों में, और पूरा फ्यूचर ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, पूरा फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है दोस्तों। समझदारी वाली बात क्या होनी चाहिए मालूम है, खुले आंखों से आप देख रहे हो भाई, खुले कानों से सुन रहे हो आप कि साधारण से साधारण लोग आज अपने ड्रीम फ्लैट ड्रीम कार में जा चुके हैं। एक लड़का मेरे सामने स्क्रीन पे बात कर रहा है जो 7,000 रुपया महीने का कमाता था, आने वाले 3 महीने के बाद 55 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज लेने जा रहा है। यार इसका मतलब ये बिजनेस का ताकत है भाई, ये नेटवर्क इंडस्ट्री का ताकत है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ताकत है, ये हमारे कॉन्सेप्ट का ताकत है जो साधारण से असाधारण बनाया जा सकता है और बना जा सकता है ये बिजनेस की वजह से। मैं प्रभात सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना शायद नवंबर मंथ में ही आप सबके ब्लेसिंग की वजह से, क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, आप मेरे आदर्श हैं, गुरु हैं, प्रभात सर आपका भी ब्लेसिंग चाहिए सर, ये महीने तक, ये महीने के एंड तक सभी लोगों के, मेरी टीम की कड़ी मेहनत की वजह से, मुकेश चौहान सर RTC, न्यास सर RTC है, हमारे रवि सर, उसके बाद जय पाटिल जी, रितेश सर, महेंद्र सर और प्रभात सर, मैडम मुनाल फंसालकर, TSN चौधरी सर, अमृता मैडम, आप सब, सबके ब्लेसिंग, सबके स्नेह के वजह से इस महीने के एंड तक मेरा यही टारगेट है कि आप सभी के सामने CTC और प्लेटिनम बन के आना है। और नजदीक आ गया हूं एकदम, 100% अगला प्रमोशन होने वाला है। और एक बात मैं आप सभी लोगों को जरूर कहना चाहूंगा, जैसे ही आलोक सर ने अनाउंस किया अगले 3-4 हफ्ते की में कि मेरा ID प्लेटिनम हो गया, दोस्तों फिर से बता रहा हूं, 1 महीने का मिनिमम इनकम चला जाएगा कम से कम 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में। Yes. और फिर से एक बात कह रहा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो बाकी लोग भी कर सकते, बस खाली उनको यकीन करना होगा कि यार इतना बड़ा अचीवमेंट अगर इस बिजनेस हो सकता है और अगर हमारे लाइफ में रियल में हो गया तो क्या से क्या हो सकता है, यही समझदारी वाली बात है दोस्तों, राइट और नॉट प्रभात सर? अगर यकीन कर लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी लोगों। Yes. हमने हमने देखा है साधारण से साधारण लोग कार तक पहुंचे, पाव पैदल चला करते थे, इतनी है कि माई लाइफ स्टाइल, देखिए मेहनत यहां भी करना होगा लेकिन माई लाइफ स्टाइल में 5 साल अगर कड़ी मेहनत कर लो तो कसम से बोलता हूं आने वाली 40 साल की जिंदगी आप जी सकते हो इस बिजनेस के।